दोस्तों आज आया है ट्रेलर फिल्म आदि पुरुष का। टीजर ने जितनी इसने दोस्तों खुद की बेइज्जती करवाई थी, इतनी ही तारीफ करेंगे हम इस ट्रेलर की। पहली बात तो करेंगे दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूजिक की, क्योंकि दोस्तों ये इतना ज़बरदस्त है कि ट्रेलर देखकर ही हमें मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ VFX में कितना ज़बरदस्त सुधार किया गया है ये तो पता लगता ही है। फिल्म मेकर की सबसे बड़ी खासियत यही होनी चाहिए जो जनता की सुने। जब टीज़र रिलीज हुआ और उसको दोस्तों नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज़ नहीं की, बल्कि और टाइम मांगा फिल्म को एडिट करवाने के लिए। फाइनली दोस्तों इसके ट्रेलर को एडिट करवाया और इतना ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों इसमें VFX को एडिट किया गया है जो अब लग रहे हैं बेहतरीन। और तो और दोस्तों आपको बता दें, इस ट्रेलर में हम सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, वो है हनुमान जी का लुक। हनुमान जी का लुक दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा नापसंद जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी ऐसे तो नहीं दिखते थे, लेकिन बाकी सभी कलाकारों के लुक्स में काफ़ी हमें बदलाव देखने को मिला है। उनके बोलचाल में, उनके चाल चलन में भी अब हमें दोस्तों यहाँ पे सुधार देखने को मिला है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेलर की खास बात का VFX है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म आज ही रिलीज़ हो जाए, हम तो देखने चले जाएंगे। फिल्म के अंदर मौजूद जानवर जो भी दिखाए गए हैं रियल लग रहे हैं। और तो और दोस्तों हनुमान जी का बड़ा आकार भी काफ़ी रियल दिखाई देता है। पहाड़ को उठाना या समुंदर को पार करके उड़ना, ये सभी VFX काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तीर चलती हुई और तो और दोस्तों सैफ अली खान का लुक, ये भी अब ज़बरदस्त लग रहा है। कृति सेनन या माँ सीता के किरदार में नज़र आ रही है। इनके कपड़ों और पहनावों में हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है जो कि अब बेहतरीन दिख रहा है। तो दोस्तों आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।